आप सभी का स्वागत करती हूँ इस न्यू रीडिंग में। आज की गाइडेंस होगी बहुत ही स्पेशल। आज की गाइडेंस में हम आपको बताएंगे कि इस समय आपके पर्सन की एनर्जी क्या है, अभी नियर फ्यूचर में उनके एक्शंस क्या रहेंगे आपके लिए, और आपके रिलेशनशिप में या फिर आपके सेपरेशन में अभी क्या चेंजेस आ सकते हैं। तो चलिए शुरू करती हूँ आज की रीडिंग लेके एंजल्स का नाम। सभी के सभी इस डिवाइन ब्लेसिंग को सुनने के लिए रेडी हो जाओ। मैं ला रही हूँ आपके पर्सन की गाइडेंस आपके पास। लेट्स स्टार्ट द रीडिंग। पेशेंसली आराम से बैठिए, जहाँ कहीं पे भी हैं आप। आपके रिश्ते की ओवरऑल एनर्जी क्या है एंजल्स हमें बताइए। आपके रिश्ते की ओवरऑल एनर्जी क्या है, आपके रिश्ते की ओवरऑल एनर्जी क्या है। ओ माय गुडनेस, ओके। पहला कार्ड सेल्फ लव। पीसफुलनेस। देखिए ध्यान बहुत डाइवर्ट हो रहा है आपका। एक ही पल आपको ये लगता है कि आपके पर्सन परफेक्ट हैं, ठीक है। एक ही पल आपको ये लगता है, इट्स लाइक एन ऑब्सेशन, ठीक है। क्योंकि आपने यहाँ पे बहुत ज़्यादा कोशिश की है टू मेक दिस कनेक्शन वर्क। ऐसा लगता है कि आपने अपने पर्सन को बहुत चेंज करने की कोशिश की है, इन अ गुड वे, इन अ वेरी गुड वे। आपको ऐसा लगता है कि आपने हमेशा इस पर्सन को सही रास्ता दिखाया है, ठीक है, सही रास्ता बताया है, और ऐसी चीज़ें उनको चेंज करने के लिए बोली है जिससे दोनों का ही फ़ायदा है। ऐसा नहीं है कि आपने अपने अनुसार उनको बदलने की कोशिश की है, पर ओवरऑल जिस चीज़ से आप दोनों का रिश्ता काम करे, आप दोनों का रिश्ता आगे बढ़े, ऐसी चीज़ें आपने अपने पर्सन को दिखाई है, और आई एक्चुअली अप्रिशिएट यू। पर यहाँ पर पता है क्या है, एक चीज़ यहाँ पे बहुत ही गलत हुई है आपसे, और उसके लिए मैं आपको ब्लेम करती हूँ, ठीक है। उसके लिए मैं आपको ब्लेम करती हूँ, मैं बताती हूँ क्या चीज़ गलत हुई है। देखिए, अगर आप किसी को इतना ज़्यादा सुधारना चाहते हो, संवारना चाहते हो, लेकिन उस चक्कर में आप ड्रेन हो रहे हो, आप टूट रहे हो, आप खुद बिखर रहे हो, तो इससे बड़ा मैसेज कोई नहीं है कि दैट दिस थिंग इज़ टॉक्सिक, दैट दिस थिंग इज़ वेरी मच टॉक्सिक। इससे बड़ा कोई सबूत नहीं है, इससे बड़ा कोई साइन नहीं है, कोई सिंबल नहीं है। तो यहाँ पे मुझे साफ फील हो रहा है कि आपने ना इस कनेक्शन को बचाने के चक्कर में अपना सेल्फ लव बिल्कुल आप भूल गए हो। इनफैक्ट आप ऐसी एक सिचुएशन में घुस गए हो या थे जहाँ पे आपने इस रिश्ते को बचाने के लिए अपने आप को ऐसे झोंक दिया है कि आपको समझ ही नहीं आ रहा कि क्या सही है। रेड फ्लैग्स को भी आप इग्नोर कर रहे हो। कहाँ गया आपका पीसफुलनेस, कहाँ गया? आपको समझ नहीं आ रहा है कि यहाँ पे एक बैलेंस की ज़रूरत है। यहाँ पे आप ऐसी चीज़ें कर रहे हो जो आपकी सोल को बहुत डिस्टर्ब कर रही है। आप हमेशा डिस्टर्ब रहते हो, और आप दूसरे को हील करने की कोशिश कर रहे हो, और वो चीज़ जब नहीं हो पा रही है क्योंकि द पर्सन इज़ नॉट रेडी फॉर इट। अगर किसी के अंदर वो चीज़ आनी होगी तो अपने आप ही आएगी। तो आपके दिल से एक सोल फैमिली का एक मैसेज मैं दे रही हूँ, यू शुड प्रैक्टिस सेल्फ लव, यू शुड प्रैक्टिस पीसफुलनेस। यही आपका मैसेज है। आप बोलते हैं ना कि हम कैसे पहचाने कि ये कनेक्शन मेरे लिए सही है कि नहीं। आपके मन में आता है ना कि ये पर्सन मेरे लिए सही है कि नहीं, मेरे को ये कनेक्शन वेट और मूव ऑन। तो सब कुछ आपके दिल से ही आ रहा है कि सेल्फ लव प्रैक्टिस करिए। आपको समझ आ जाएगा कि कौन सी चीज़ आपके लिए सही है और कौन सी चीज़ आपको एलिमिनेट करनी है। बहुत केओस नहीं होना चाहिए, इट मीन्स इट इज़ नॉट राइट फॉर यू, ठीक है। सो देयर शुड बी बैलेंस। लड़ाई हर जगह होती है, मनमुटाव मतभेद हर जगह होता है, पर देयर शुड बी बैलेंस। आई एम टेलिंग यू देयर शुड बी बैलेंस ऑलवेज। चलिए कार्ड्स लेते हैं, कार्ड्स को शफल करती हूँ और आपको बताती हूँ आपके पर्सन आपसे क्या चाहते हैं, आपके पर्सन की एनर्जी क्या बोल रही है। ये सारी गाइडेंस मैं आज आपको दूंगी, ठीक है। चैनल पे पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करके ज़रूर जाइएगा, बेल आइकन पर, नोटिफिकेशन पर ऑल ज़रूर दबाना है। पहली एनर्जी थ्री ऑफ सोर्ड्स।
टू ऑफ, ओ माय गॉड, पेज ऑफ वॉन्ड्स, नाइन ऑफ वॉन्ड्स, एक कार्ड और लूंगी मैं, पेज ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी दूसरा, ठीक है यहाँ से लेते हैं, द टावर मोमेंट है, थ्री ऑफ वॉन्ड्स, वॉन्ड्स की एनर्जी बहुत ज़्यादा है, सबसे ज़्यादा मुझे एयर साइंस यहाँ पे चिक चिक के बोल रहे हैं, मैम 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 ऐसे बोल रहे हैं, ठीक है ना, ये आपकी एनर्जीज है, मैं आपको बता देती हूँ, प्लीज़ बैकग्राउंड में अगर आपको नॉइजेस आ रही है उसको इग्नोर कीजिएगा, हमारे और भी लिविंग क्रिएचर्स हैं जो हमारे साथ ही रहते हैं, आसपास ही रहते हैं, वो किसी से वार्तालाप कर रहे हैं तो उनकी आवाज़ हमें आ रही है, अब क्या कर सकते हैं, वी लव आवर फेलो लिविंग क्रिएचर्स, ठीक है, लव योर लिविंग क्रिएचर्स, लव योर प्लैनेट, लव एवरीबडी। तो यहाँ पे क्या दिख रहा है कि हमें तो गैरों ने, सॉरी हो जाती है गलती, क्या करें, मैं भी इंसान हूँ, है ना, सो हमें तो अपनों ने लूटा, गैरों से तो क्या ही शिकायत थी, ये एनर्जी है इस पूरी रीडिंग की, बहुत परेशान हो, सबसे ज़्यादा इसलिए हर्ट हो क्योंकि एक अपने पर्सन ने आपको, इतने करीबी ने आपको धोखा दिया है, बहुत धोखा दिया है, आपके पर्सन ने आपको बहुत हर्ट किया है, जाने अनजाने में इनसे कुछ ऐसी चीज़ें हुई है, देखो दो चीज़ें जिसकी वजह से आप बहुत ज़्यादा परेशान हो, मैं आपको बता देती हूँ, दोनों चीज़ें मैं आपको क्लियर कर देती हूँ, पहली चीज़ ये कि आप इस पर्सन के सही एक्शन ना लेने की वजह से परेशान हो, और इस पर्सन के लिए अपने गलत एक्शन की वजह से परेशान हो, ठीक है ना, जहाँ आपको रुकना चाहिए था आप रुके नहीं हो, आपको पता चल जाना चाहिए था, आपको पहचान लेना चाहिए था कि दिस पर्सन इज़ नॉट गोइंग टू इम्प्रूव, इनमें कोई भी चेंजेस नहीं आएंगे, आपके पर्सन में वो बात है ही नहीं, वो चाहते ही नहीं किसी भी तरीके से कि आप, कि आप, कि आप कोशिश करना छोड़ो, अगर उनको इतनी ही पड़ी होती है आपकी, एक बार में ये बात नहीं सुनते कि इस रिलेशनशिप में कोई चेंजेस चाहिए, पर उनके अनुसार बाकी सारी चीज़ें तो परफेक्ट है, उनके अनुसार बाकी चीज़ें तो मतलब कुछ करने की यहाँ पे ज़रूरत ही नहीं, आप खामखां चीज़ों का, बातों का बतंगड़ बना रहे हो, दूसरी ओर इस रिश्ते को, इस कनेक्शन को हील करते करते आप झूठ मत बोलना, आपने गलतियाँ की है कि नहीं, अपनी जो खुद की जिम्मेदारियाँ, चाहे वो खुद के प्रति जिम्मेदारी हो, सेल्फ लव, मेंटल पीस, खुद का ऑरा, खुद की एनर्जी, पता है आपकी एनर्जी कैसे इस वक्त नज़र आ रही है, आप इतना किसी को हील करने में बिज़ी हो गए कि आप खुद मुझे अभी टूटे हुए नज़र आ रहे हो, बोलो मैं झूठ बोल रही हूँ, खुद इतने टूटे हुए नज़र आ रहे हो कि मुझे विश्वास नहीं हो रहा कि आपकी एनर्जी है, और आप चले हो, देखो पहले खुद को देखो, आप खुद को सही करो, फिर आप दूसरों की अच्छे भले सोचने की कोशिश करना, दूसरों के बारे में सोचना, क्योंकि आपको पड़ी है दूसरे की, तो एक बात बताओ आपके जो पार्टनर है उनको आपकी कितनी पड़ी है, बोलो उनको आपकी कितनी पड़ी है, बोलो एम आई राइट और नॉट राइट, कमेंट सेक्शन में लिखो राइट। तो यहाँ पे बहुत करीबी ने आपके सीने में या आपके पीठ में छुरा घोंपा है, तो आप इसको बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हो, आप उसी ट्रॉमा को बार 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 रोज़ रोज़ महसूस कर रहे हो, आपके पर्सन की एक एनर्जी मुझे नज़र आ रही है, ठीक है ना, आपके पर्सन बड़े ही ढीठ है, मतलब जिद इन्होंने ऐसी पकड़ रखी है, थ्री ऑफ पेंटिकल्स की यहाँ पे एनर्जी है, और आपके पर्सन पता है क्या सोच रहे हैं, आपके पर्सन ये सोच रहे हैं कि हमें इस रिश्ते को एक मौका और देना चाहिए, आपके पर्सन के मन से ये बात जा नहीं रही है उस सेपरेशन को, और ये मतलब कहते नहीं, इस रिश्ते को बिखरने नहीं देना चाहते, मैं बता रही हूँ जितना मुश्किल आपका मूव ऑन करना है ना, उतना ही मुश्किल आपका इस पर्सन से पीछा छुड़ाना है। अब भले ही आप सोच रहे हो कि ये कैसा ऑब्सेशन हुआ मैम, मुझे डर लग रहा है, एक्चुअल में ये बात सच है, आपके पर्सन से आप इतनी जल्दी पीछा नहीं छुड़ा सकते, आप कर ही नहीं पाओगे, आप कोशिश करके खुद देख लो, ऐसा होना पॉसिबल नहीं है, बिकॉज़ एक बार और ये पर्सन आपसे मिलकर बात करना चाहते हैं, एक बार और मुझे लगता है ये किसी को अपने साथ लेके आना चाहते हैं, और किसी बहुत इम्पॉर्टेंट पर्सन से आपकी मुलाकात करवाना चाहते हैं, इट फील्स लाइक ये आपको और ज़्यादा खुद के करीब लाएंगे, जो चीज़ आप इतने टाइम से चाहते थे, चाहे वो कमिटमेंट हो या टेन ऑफ कप्स की एनर्जी आप चाहते थे, टू बिल्ड अ फैमिली,
टू बिल्ड अ फ्यूचर टुगेदर, तो उसके लिए बहुत सारी चीज़ें बैठकर बात करने की ज़रूरत पड़ती है। तो मुझे लगता है ये पर्सन बिन कहे ये वेट नहीं कर पा रहे हैं, अपने घर के किसी सदस्य से या किसी ऐसे इम्पॉर्टेंट पर्सन से ये मिलाना चाहते हैं आपको, जिसके साथ बैठ कर ये आपको एक तरीके से इनडायरेक्टली मैसेज दे रहे हैं कि यू आर स्पेशल, यू आर स्पेशल। इनडायरेक्टली ये बोल रहे हैं कि जहाँ एक चांस नहीं है, जहाँ तुमने इतना मुझ पे काम किया है, मुझ पे एक बार भरोसा करके देखो, वो नहीं चाहते हैं कि इस बार आपका सिर झुकाएं, वो नहीं चाहते हैं, वो आपको ये बताना देना चाहते हैं इतना सब कुछ होने के बाद भी अगर आप अभी भी उनके दिमाग में हो, इसका मतलब है कि वो इसको और ज़्यादा आगे लेके जाना चाहते हैं, पर उस मैनर में नहीं जिस मैनर में वो हुआ। इस मैनर में ऐसा लगता है कि ये पर्सन बोल रहे हैं कि किसी को इतना भी वो मत करो, किसी को इतना भी मौका मत दो कि वो अपनी ज़िम्मेदारी भूल जाए। तो इट मीन्स ये अपना जो काम है ना, ये करने के लिए रेडी, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी अभी आप पे नहीं डालना चाहते। एज अ मैन, एज अ वुमन, जो कोई भी हैं आपके पर्सन, शी और ही, इट फील्स लाइक ये अब अपना रोल निभाना चाहते हैं, ये अपनी रोल्स को पहचान गए हैं, ये अपने एक्शंस को पहचान गए हैं कि क्या चीज़ आपको करनी चाहिए, यू जस्ट वेट एंड वॉच, और क्या चीज़ें मुझ पे छोड़ दो कि ये चीज़ मैं करूँगा या मैं करूँगी। यहाँ पे आपके पर्सन को बखूबी अपने एक्शंस पे डाउट हो रहा है, ठीक है ना, बखूबी आपको मतलब ऐसा लगेगा कि ये पर्सन इतने रुक रुक के क्यों आ रहे हैं, क्या वजह है इतने स्लो एक्शन लेने की, या क्या वजह है कि तुम्हारे इतने धीरे आने की, या फिर बात ना करने की, या फिर अपनी मतलब पीठ दिखा के जाने की। तो ये कबूल रहे हैं नहीं थी हिम्मत, नहीं पता चल रहा था इस समय, उस समय क्या था कि ऐसा लगा कि जवाब देना पड़ेगा, ऐसा लगा कि 10 लोगों को बताना पड़ेगा, उस समय नहीं थी हिम्मत। मुझे लगता है जब आपका सेपरेशन हुआ तो ये पर्सन कमा नहीं रहे थे उस समय, या जवाब देने के लायक नहीं थे। तो ऐसा लग रहा है कि अभी अपने पैर पे स्टैंड कर गए हैं, तो इट फील्स लाइक अभी आपको जवाब देना चाहते हैं, इट फील्स लाइक अभी आपसे पीछे नहीं छुड़ाना चाहते, इट फील्स लाइक वो कभी भी आपको पीठ दिखा के नहीं जाएंगे, इट फील्स लाइक वो अब इतना ज़्यादा सीरियस हो चुके हैं कि अपने हर एक्शन को ये सोच समझ के लेना चाहते हैं, क्योंकि अब वो बचपना नहीं रहा, यहाँ पर अडल्टहुड दिखाई दे रहा है, यहाँ पर रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हुए दिखाई दे रहे हैं, ये अपने फैसले को अपने हिसाब से एग्जीक्यूट करना चाहते हैं। इसका मतलब ये नहीं चाहते कि ये सिर्फ और सिर्फ आपके ऊपर डिपेंडेंट रहे, एज अ मैन, एज अ वुमन, ये आपके रिश्ते को लीड करना चाहते हैं, या आपके अंदर से जो इनके लिए जो शक है उसको दूर करना चाहते हैं। एक हाथ में इनके अंदर मतलब जो भी रिस्पॉन्सिबिलिटी आ गई है, ये नहीं चाहते कि दूसरों से छुप के या फिर बहुत धोखा दे के इस रिश्ते को आपके साथ निभाए, ये चाहते हैं कि एक अडल्ट की तरह, नंबर 13 मुझे दिखाई दे गया टाइमलाइन में, एक न्यू बिगनिंग है। ऐसा लग रहा है कि उस समय ना इन्होंने आपसे पीछा छुड़ाया है, ये बात सच है, आप झूठ नहीं बोल रहे हो, इन्होंने उस समय आपसे पीछा छुड़ाने की कोशिश की है, क्योंकि यहाँ पे द टावर मोमेंट मुझे बोल रहा है कि इन्होंने आपसे पीछा छुड़ाया है उस समय। आपका शक बिल्कुल सही है, मैं आपको दिखा देती हूँ, बिल्कुल सही है आपका शक, जो भी आप बोल रहे हो, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है योर एनर्जी इज सेइंग कि मैम इनकी बातों में मत आओ, है ना, इन्होंने पीछा छुड़ाया है। हाँ, जानबूझ के इन्होंने बात करनी बंद की है, क्योंकि ये जो टावर मोमेंट है वो अपने आप नहीं आया, ऐसा लगता है कि इनके ऊपर बहुत ज़्यादा जिम्मेदारियाँ थी और आपके पर्सन बहुत डर गए थे, स्पेशली कमिटमेंट देने से डर गए थे, स्पेशली बात घर तक पहुँचने से डर गए थे, स्पेशली अपनों से डर गए थे कि लोग इनको जज करेंगे या लोग इनको बहुत घृणा की नज़र से देखेंगे, और उस समय ये जिम्मेदारी नहीं उठाना चाहते थे। अब आपको लगेगा ये सब शुरू में सोचना चाहिए था, हाँ ये पर्सन पीठ दिखा के खड़े हुए हैं, पर अब दे आर टोटली चेंज, इट फील्स लाइक ये अब बोलते नहीं हैं ज़्यादा, पर ये पेज ऑफ वॉन्ट से दे आर सेइंग कि एक्शन, ये पूरी एनर्जी एक्शन पर है। इट फील्स लाइक एक तरफ परिवार, एक तरफ करियर, एक तरफ आप, बट इट्स वेरी 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 अर्जेंट एंड इम्पॉर्टेंट कि आप इनका स्पेशल मैसेज भी सुन लो। दे वॉन्ट टू कम टू यू, चाहे कोई भी, देखो कितनी भी डिफ़िकल्टी है, 9 of Wands, 10 of Wands, एयर साइन बहुत ज़्यादा है, फायर साइन भी है, दे आर लाइक अकेले ही उस चीज़ को ये करेंगे, आपका सपोर्ट नहीं लेंगे, ना ही
आपको ये बताएंगे कि इस समय ये कैसा महसूस कर रहे हैं, पर आप खुद ही देख लो, इफ दिस इज़ नॉट लव देन वॉट इज़ लव, खुद ही देख लो. दे आर रेडी फॉर यू, दे आर सो 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 रेडी. अपने आप में ये पर्सन अब उनको एक बोझ की तरह नहीं, एक ड्यूटी की तरह कर रहे हैं, और बहुत ब्यूटिफुली ये आपकी ज़िम्मेदारी लेंगे. दे वॉन्ट टू शो यू दैट दे केयर फॉर यू, दे स्टिल केयर फॉर यू, और ये अपने माइंड से इस रिश्ते को नहीं जाने दे सकते. ये कभी भी आपको भुला नहीं सकते, चाहे आप कितनी भी कोशिश कर लो. ये रीडिंग कैसी लगी बताइएगा ज़रूर. कुछ इम्पॉर्टेंट नंबर्स हैं. नंबर 3 आ गया है. अगले 3 दिन यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट है. नंबर 10, नंबर 9 आ रहा है. 333, ओ माय गॉड, 333 कमेंट सेक्शन में लिख दीजिए, येलो हार्ट्स भर दीजिएगा जिसका जितना भी मन करे. मिलती हूँ अगली रीडिंग में एक न्यू गाइडेंस के साथ. डिस्क्रिप्शन बॉक्स में न्यू रीडिंग का लिंक है, देख के ज़रूर जाना. गॉड ब्लेस यू, लव यू ऑल, टेक केयर एंड बाय बाय. 555, माय गुडनेस, सच अ ब्लेसिंग.